हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा फ़ोन है तो लावा फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम है तो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अपने लावा फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन ऊपर ही आएंगे, फिर आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स तरीके से ऊपर हो जाएगी। तो जब हमारे फ़ोन में ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सर्च करना है स्क्रीन टाइम आउट। सर्च करते ही हमारी और स्क्रीन टाइम आउट सेटिंग्स यहाँ से ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से टाइमिंग को थोड़ी इंक्रेज कर देना है। इंक्रेज करते ही जो ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो हमारी स्क्रीन है 2 मिनट के अंदर ऑटो ऑफ होगी। तो इस तरीके से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। और आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर भी ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स हैं हमारे फ़ोन में इस तरीके से शो हो रही है, जैसे आप देख सकते हैं शो हो रही है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सर्च करना है, यहाँ से डिस्प्ले सेटिंग्स पे चले जाना है। डिस्प्ले सेटिंग पे जाते ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली आपको टाइम चेंज करना है, इसको बढ़ा देना है टाइम को, जिससे हमारी जो स्क्रीन है आप थोड़ी 10 मिनट के अंदर ऑटो ऑफ होगी। तो इस तरीके से आप ऑटो स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने लावा फोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।